आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी तीन मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी अगर आप सीपीए या अफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने जा रहे हो। तो पूरा एकदम डिटेल में समझेंगे, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली मिस्टेक है जो काफी सारे लोग करते हैं वो ये है कि वो एक चीज पर फोकस नहीं करते। मान लीजिए कि किसी बंदे ने उनको कहा कि नेटिव एड यूज करने से उनको बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ज्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं, तो वो नेटिव एड यूज करना शुरू कर देंगे। किसी बंदे को उन्होंने देखा जो फेसबुक एड यूज कर रहा है, फेसबुक एड से ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, फेसबुक एड से कन्वर्जन ला रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है फेसबुक एड्स पर, तो वो फेसबुक एड पर शिफ्ट हो जाएंगे। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको हमेशा एक ट्रैफिक सोर्स पर ही फोकस करना है। बिकॉज दुनिया में इतने सारे ट्रैफिक सोर्सेज हैं, इतने सारे सीपीए नेटवर्क्स हैं, इतनी सारे सीपीए ऑफर्स हैं, तो क्या आप सबको रन करोगे? आपको हमेशा एक ट्रैफिक सोर्स, एक टाइप के सीपीए ऑफर्स और एक ही सीपीए नेटवर्क पर हमेशा फोकस करना है। जब आप वहां पर मास्टर कर जाओ, वहां पर आपको सब कुछ समझ आ जाए, फिर आप दूसरे पर शिफ्ट करो। आपको एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर शिफ्ट नहीं करते रहना है, ठीक है। जो दूसरी मिस्टेक है जो काफी सारे लोग करते हैं वो ये है कि उनको अपना बजट नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता कि उनको पेड एड्स में कितने पैसे लगाने हैं। मैंने आपको हमेशा बोला कि अगर आपके पास 500, 1000, 2000 रुपए हैं तो आपको वो हमेशा फ्री ट्रैफिक से शुरू करना है। आपको वो पैसे जो है वो पेड एड्स में लगाकर खराब नहीं करने हैं, आपको फ्री ट्रैफिक से शुरू करना है। जब आपको वहां से कन्वर्जन आने लग जाए, वहां से पैसे आने लग जाए, तब आप उस पैसे को पेड ट्रैफिक में लगाओ, ठीक है। जो तीसरी मिस्टेक है जो काफी सारे लोग करते हैं वो ये है कि वो सीखते नहीं है और सीधा करना शुरू कर देते हैं। काफी सारे लोग मैंने देखा है कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम एक अच्छा सीपीए ऑफर लेंगे और उसका हम कैंपेन रन करना शुरू करेंगे, उसमें पैसे लगाएंगे, तो हमें पैसे आने शुरू हो जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिकॉज किसी भी सीपीए कैंपेन को प्रॉफिटेबल करने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होती है। बिकॉज मैटर ये नहीं करता कि आप क्या प्रमोट कर रहे हो, मैटर हमेशा ये करता है कि आप कैसे प्रमोट कर रहे हो, आपके उसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है। क्योंकि अगर आप कितना भी अच्छा सीपीए ऑफर ले लो, लेकिन अगर आपको सही स्ट्रेटजी नहीं पता, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, हमेशा वो कैंपेन लॉस में ही जाने वाला है। लेकिन आपको अगर सही स्ट्रेटजी पता है तो आप किसी भी कैंपेन को, किसी भी ऑफर को प्रॉफिटेबल हमेशा कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको वो तीन मिस्टेक्स पता चली होंगी जो आपको बिल्कुल नहीं करनी अगर आप सीपीए या अफिलिएट मार्केटिंग में शुरू कर रहे हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर देना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो बाय बाय, टेक केयर।